फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है तिलपुआ। ये बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है और एक ऑथेंटिक और पुरानी रेसिपी भी कह सकते हैं इसे। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनती है। पुए बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल ले लिए हैं, इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है, रोस्ट कर लिए हैं, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ले ली है। अब हमने 2 कटोरी जो आटा लिया था उसमें हम शुगर को ऐड करेंगे। जो 1 बड़ा चम्मच हमने तिल भून के रखे हैं उसको ऐड करेंगे। अब एक विस्पर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको बैटर बना लेंगे। बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। मैं दिखाती हूँ कितना, इसलिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अगर आपके पास बिस्तर नहीं है तो आप किसी चम्मच या हाथ की हेल्प से भी इसको इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से फेंटते हुए ये देखिए इस तरीके से एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला, ठीक वैसे ही जैसे हम केक बनाने में बैटर बनाते हैं उतना ही। और इसको हम अच्छे से फेंटेंगे, इसको जितना ज़्यादा फेंटेंगे आटा उतना ज़्यादा फूलेगा और जो हमारे पुए हैं वो एकदम फूले फूले और सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार होंगे। यदि आप इसको ज़्यादा नहीं फेंट पा रहे हैं तो आप इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल सकते हैं। याद रखिएगा आटे में लम्प्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी गुलती नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार है। इसको आप जितना ज्यादा फेंटेंगे हमारे पुए उतने ही ज्यादा फूलेंगे। ये देखिए बैटर बनकर तैयार है। अब इसको एक साइड रख देते हैं और कढ़ाई को गर्म होने रखते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसमें वेजिटेबल ऑयल या घी जिसमें भी आप सेकना चाहें वो ऐड कर लीजिए। चलिए घी गरम हो जाने देते हैं। ये देखिए घी अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें छोटे छोटे पुए ऐड करेंगे।
ये देखिए, अब मैंने जैसे बताया था कि आटा आप जितना अच्छे से फेटेंगे पुए उतने अच्छे फूलेंगे। आप देख सकते हैं पुए फूल रहे हैं और अच्छे से डबल हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये सारे पुए एकदम छोटे छोटे डाले थे और ये फूल के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब आटा अच्छे से फिट चुका है। इसमें हमें मीठा सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके में इस तरीके से पुए नहीं फूल रहे हैं तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा एक चुटकी उसमें ऐड कर दीजिए, वो अच्छे से फूल जाएंगे, नहीं तो आटे को अच्छे से फेंट लीजिए। ये देखिए पुए एक साइड से अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन सबको पलट देंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि क्या हम नॉन स्टिक कढ़ाई में इस तरीके से स्टील की कोई कंछली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपने मुझे देखा होगा कि मैं जब कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह भूनने के लिए चलाती हूँ तो मैं लकड़ी की यूज़ करती हूँ। लेकिन यदि आप कोई चीज़ तल रहे हैं जिससे आपका कंछली जो है वो तले पर नहीं लग रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टील की हम लोगों को सिर्फ इसीलिए मना करते हैं ताकि कढ़ाई या प्राइन जो भी हम नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रैच ना हो जाए। बाकी इसमें कोई हेल्थ का इश्यू नहीं है। ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, एकदम गुलाबी गुलाबी पिंक लाइट ब्राउन मिक्स कलर आया है इसमें। हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म तिल पुए बनके तैयार हैं। इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम से कम एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।